आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। सुख ज्यादा या दुख, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। स्थाई सुख का मार्ग, पार्ट वन। एकांत सुख के रहस्य की बात सुनकर शिष्य के मन में जिज्ञासा हुई कि इसका उपाय क्या है, मार्ग क्या है। मार्ग की जानकारी बहुत जरूरी होती है, मार्ग के बिना गंतव्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। परेशान यात्री ने टिकट निरीक्षक से कहा, श्रीमान जी, मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो गए इस ट्रेन से यात्रा करते हुए, मुंबई स्टेशन अभी आया नहीं, ट्रेन मुंबई कब पहुंचेगी? टिकट निरीक्षक ने यात्री को गौर से देखा और कहा, यह ट्रेन मुंबई कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यह कोलकाता जा रही है। शायद तुम गलत गाड़ी में बैठ गए हो। मंजिल तक पहुंचना है तो मार्ग का निर्धारण और साधन का चुनाव पहले कर लेना होगा। दिशा का ज्ञान नहीं है और यात्रा शुरू कर दी तो गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। लोग कह देते हैं कि दुनिया गोल है, कहीं से भी चले, कोई भी दिशा ले, एक दिन फिर उसी जगह तक पहुंच जाएंगे। ठीक बात है, अगर सिर्फ चलना और रास्ता तय करना ही उद्देश्य है जीवन का तो चलते रहो जीवन भर निरर्थक, किसी का क्या जाता है। लेकिन जिन्हें जीवन और समय की कीमत मालूम है, वे पल पल का पूरा हिसाब रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मार्ग की खोज। जैन साहित्य में एक शब्द आता है मार्गणा। मार्गणा करो, खोज करो, अन्वेषण करो, पता करो कि सही रास्ता क्या है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने एकांत सुख की बात तो बता दी, लेकिन इसका मार्ग क्या है, आप इस संदर्भ में मेरा मार्गदर्शन करें। तब गुरु ने कहा, गुरु ने जो मार्ग बताया उसे राजमार्ग कहा जा सकता है। यह कोई संकरी पगडंडी नहीं है, यहाँ सामने वाले से टकरा जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ घुमावदार तीखे मोड़ नहीं है, न हर 10 कदम पर अवरोधक है। इस रास्ते पर शान से चलो और निरापद मंजिल पर पहुंचो। सकरी पगडंडी पर समस्याएं बहुत हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा, पगडंडियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये आगे जाकर बंद हो जाती हैं। हमारे अनेक साधु साधियों को पगडंडी पर चलने का बड़ा शौक है। विहार के समय कोई शॉर्टकट देखा, पगडंडी दिखी तो तत्काल उसे पकड़ लेते हैं। परिणाम कभी कभी यह होता है कि 2-4 किलोमीटर का चक्कर खाकर फिर सड़क पर आना पड़ता है। गुरु होते हैं मर्मज्ञ। गुरु ने कहा, अगर एकांत सुख चाहते हो तो गुरु और वृद्धजनों की सेवा करो। इस एक वाक्य में कितनी सारपूर्ण बात कही कह दी गई। ज्ञान पुस्तकों से भी हो सकता है और दूसरी चीजों से भी हो सकता है, किंतु जो ज्ञान अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा हो सकता है वह किसी और से नहीं हो सकता। गुरु ज्ञानी जिनके पास गुरुता है, गौरव है, अनुभव है, ज्ञान रूपी खजाने की चाबियां हैं, वह रास्ता दिखा सकते हैं, मर्म की बात बता सकते हैं। मर्म को पकड़ना सब नहीं जानते। महाभारत की कथा है, 18 दिनों के युद्ध का उत्तरार्ध काल, युद्ध का पटाक्षेप होने वाला था, फैसले की महत्वपूर्ण घड़ी आ पहुंची थी। कौरवों की लगभग सारी सेना समाप्त हो चुकी थी, 100 भाइयों में अकेला बचा था दुर्योधन। ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठर ने एक न्यायपूर्ण प्रस्ताव रखा, दुर्योधन, तुम अकेले हो, हम 5 हैं, हम में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो, इस अंतिम युद्ध में जो जीत जाए हस्तिनापुर का राज्य उसका। महाभारत की शतरंज पर बिछी ये आखिरी बाजी थी। दुर्योधन चाहता तो पांडव में अपेक्षाकृत कमजोर छोटे भाई नकुल या सहदेव को चुनकर युद्ध जीत सकता था, लेकिन यो एक योद्धा के रूप में उसकी प्रशंसा करनी होगी कि युद्ध के लिए चुना उसने अपने जन्मजात वैरी भीम को। भीम के साथ उसकी प्रारंभ से ही प्रतिद्वंद्विता थी। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध शुरू हुआ, दोनों एक ही गुरु के शिष्य और समान रूप से गदा युद्ध के माहिर। भीम लगातार दुर्योधन पर गदा का प्रहार कर रहा था, किंतु दुर्योधन पर जैसे उसका कोई असर नहीं हो रहा था। भीम जैसे महाबली की गदा का प्रहार झेल पाना उस युग के बड़े बड़े राक्षसों के लिए भी संभव नहीं था। उसी भीम के प्रबल प्रहारों को दुर्योधन बड़ी सहजता से विफल कर रहा था।
हताश भीम ने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण जानते थे कि माता गांधारी की योग दृष्टि से कटी के अतिरिक्त दुर्योधन का पूरा शरीर वज्रमय हो चुका है, जिस पर किसी शस्त्र का कोई असर नहीं होगा। कृष्ण परम नीतिज्ञ थे। द्रौपदी के चीरहरण के समय की गई भीम की प्रतिज्ञा भी उन्हें याद थी। उन्होंने अपनी जंघा पर हाथ मारकर भीम को अव्यक्त संकेत कर दिया। श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीम विद्युत गति से पलटा और अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर भीषण प्रहार किया। दुर्योधन इस मर्मांतक प्रहार को विफल नहीं कर सका और इस तरह पांडवों ने विजयश्री का वरण कर लिया। मर्म को पकड़ने की कला ज्ञानी गुरु सिखाते हैं। गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। मार्ग का पहला चरण है गुरु की सेवा करना, मर्म को रहस्य को प्राप्त करना। आयुर्वेद के महान आचार्य सुश्रुत ने शरीर में 157 मर्म स्थान बताए हैं। इन मर्म स्थानों पर चेतना सघन होती है। जापान के शरीर विज्ञानियों ने 700 से अधिक मर्म स्थान खोज लिए हैं। ध्यान करने वाले जानते हैं कि मर्म स्थानों पर ध्यान किया जाए तो चित्त ज्यादा एकाग्र होता है। आयुर्वेद के मर्म स्थान हठ योग के चक्र, प्रेक्षा ध्यान के चैतन्य केंद्र और मनोविज्ञान के साइकिक सेंटर, ये सब मर्म स्थान के ही पर्याय हैं। यह हमारे शरीर में बहुत हैं और इनके अलग अलग कार्य हैं। मेडिकल साइंस या शरीर शास्त्र की दृष्टि से अंतस्त्रावी ग्रंथियों के स्राव इन मर्म स्थानों से निकटता से संबंध है। जो इनके मर्म या रहस्य को समझ लेता है उसके लिए दुनिया बदल जाती है। एकांत सुख के लिए ज्ञानी गुरु जरूरी हैं। भारतीय जीवन प्रणाली में गुरु की परंपरा रही है, लेकिन योग्य गुरु भी क्या इतनी सहजता से मिलते हैं? योग्य गुरु की प्राप्ति में भाग्य और पुरुषार्थ का योग होना चाहिए। गुरु मिल जाए तो उनकी सेवा करो, अपनी सेवा भक्ति से उन्हें प्रसन्न करो। वृद्ध की सेवा। वृद्धों की सेवा का भी बड़ा महत्व रहा है। वृद्ध भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अवस्था से वृद्ध, श्रुत से वृद्ध, अनुभव से वृद्ध। सेवा के संदर्भ में या तीनों को ही लिया जा सकता है। अवस्था से वृद्ध लोग अनुभव प्रवण होते हैं। कितनी ही घटनाओं के वे दृष्टा होते हैं, कितनी ही बातें उन्होंने सुन रखी होती हैं और कितने लोगों से संपर्क में आए होते हैं। दीर्घ अनुभव के कारण उनमें परिणाम की बुद्धि होती है। बुद्धि चार प्रकार की होती हैं, औत्पादिकी, वैनयिकी, परिणामिकी और कार्मिकी। वृद्धों में परिणामी की बुद्धि होती है। परिणमन के साथ बहुत सारी बुद्धियां लोगों में विकसित हो जाती हैं। अवस्था के साथ बुद्धि का विकास होता जाता है। पुरानी धारणा है कि 60 वर्ष का होते ही बुद्धि सठिया जाती है। विज्ञान ने इस धारणा को उलट दिया है। वह कहता है कि बुद्धि से काम लेते रहो तो वह उम्र के साथ बढ़ती जाएगी। 90 और 100 तक पहुँचते पहुँचते बुद्धि की धार प्रखर बन जाएगी और व्यक्ति ज्ञानी की कोटि में आ जाएगा। बुद्धि से काम न लो तो 50, 30, 40 की उम्र में भी उल्लू बने रहोगे। हम अपने जिस अंग को ज्यादा काम में लेंगे वह ज्यादा सक्रिय रहेगा। लंबे समय तक एक जगह बैठे रहो, पैर निष्क्रिय हो जाएंगे। ज्यादा दिन तक हाथों से काम न लो, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, हाथ जाम हो जाएंगे। औजार उपकरण से काम न लो, उसमें जंग लग जाएगा। यही नियम बुद्धि पर भी लागू होता है। हम इस धारणा को बदल ले कि अवस्था के साथ बुद्धि का ह्रास होने लगता है। यह सिर्फ हमारे यहाँ है कि 45-50 वर्ष का हो जाए तो विद्यार्थी जीवन समाप्त, अन्यथा दूसरे देशों में तो 80 वर्ष का आदमी भी PhD करता है। वास्तव में देखा जाए तो अध्ययन का सही समय 60 वर्ष के बाद शुरू होता है। भारतीय मनीषा में वृद्ध का बड़ा महत्व है। आज बूढ़ों को समस्या माना जा रहा है, यह धारणा बदलनी चाहिए। स्वयं बूढ़ों को अपने बारे में धारणा बदल लेनी चाहिए कि अब हमारा क्या काम, हम तो निकम्मे होकर रह गए। निकम्मा कभी कोई नहीं होता, यह तो स्वयं के मन से निकली हुई हताशा और कुंठा है। अपनी उपयोगिता साबित करना हर व्यक्ति के अपने हाथ में है। संस्कृत साहित्य में कहा गया है, बूढ़ों के अनुभव का उपयोग करना चाहिए, उनके परामर्श को मानना चाहिए, उनकी शारीरिक शक्ति का नहीं मानसिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। पंचतंत्र की कथाओं में जगह जगह इस बात को प्रतिपादित किया गया है कि वृद्ध और अनुभवी की सलाह को ठुकराने का क्या परिणाम होता है और उनके परामर्श को मानने का क्या लाभ होता है। महत्व सत्संगति का।
गुरु ने उस शिष्य से एकांत सुख के दो सूत्र को समझाने के बाद कहा, एकांत सुख का तीसरा सुख है विवज्जना बाल जनस्य दूरा, यानी बालजनों से दूर रहो। यहाँ बालजन का तात्पर्य बालकों से नहीं अज्ञानियों से है। चलती फिरती भाषा में जिन्हें हम नादान कहते हैं, कहावत है नादान की दोस्ती जी का जंजाल। अज्ञानियों से दोस्ती खतरनाक होती है, काम बढ़ा देती है, उनकी संगति किसी न किसी विपत्ति में फंसा देती है। यह जानना बहुत जरूरी है कि किसकी संगति करे किसकी न करे। नीतिकारों ने कहा, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा, सत्संगति क्या नहीं कर सकती। इसी भाषा में कहा जा सकता है, बुरे लोगों की संगति कौन सी दुर्गति नहीं कर सकती। यह चुनाव जरूरी है कि साथी कैसा हो, सहयोग किसका लिया जाए। अक्सर सुनने को मिलता है कि अच्छे परिवार और खानदान का था, लेकिन शराब पीने लगा। अरे, शराब कोई एक दिन में मुंह से नहीं लगी होगी। पहले गलत लोगों की, बुरे लोगों की संगति की होगी, तभी बुराई के रास्ते पर गया। संगति पर भारतीय साहित्य में बहुत लिखा गया। चाणक्य ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इस बात का पूरा विवेक रहे कि मैं किसके साथ उठता बैठता हूँ, किसके साथ रहता हूँ, और साथ रहने से मुझ पर प्रभाव कैसा पड़ रहा है, दिशा कौन सी ले रहा हूँ। आचार्य भिक्षु और जयाचार्य ने संगति पर बहुत विस्तार से लिखा और उसे विश्लेषित किया। जयाचार्य कहते हैं, गुरु ने शिष्य को उपालम दिया, किसी अविनीत के साथ उस शिष्य का संपर्क हो गया। शिष्य ने उसे बता दिया कि आज गुरुदेव ने जरा सी बात पर मुझे फटकार लगाई, तो वह अविनीत साथी उससे कहेगा, बुजदिल हो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? उन्होंने एक कही तो तुम उसी समय पांच सुना देते। चुपचाप सुनते रहोगे तो सिर पर चढ़ते जाएंगे। अब फिर कभी कुछ कहे तो खरी खरी तुम भी सुना देना। इस तरह की सीख कुटिल लोग ही देते हैं, कोई विनित और समझदार आदमी कभी इस तरह की सीख नहीं देता। इस तरह की सीख का क्रियान्वयन करने वाला शिष्य निश्चित रूप से अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। आचार्य भिक्षु ने लिखा, कालिए साथ गोरियों ने बांधियो, रंग नहीं आवे तो लखन आ जावे। काले और सफेद रंग के दो बैलों को पास पास बांधा गया। उनमें से एक बहुत सीधा साधा था और दूसरा कुटिल उदंड और चंचल था। सीधे और शांत स्वभाव वाले बैल ने उसके सारे अवगुण और खोटी आदतें सीख ली। फिर दुर्भाग्य से उसे मिल गया गधे का योग। रही सही कसर उसने पूरी कर दी। रंग तो नहीं बदला, किंतु लक्षण उसमें सारे खोटे आ गए। इसलिए साथी का चुनाव करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। सलाह मशवरा और परामर्श भी किसी सुपात्र से ही लिया जाना चाहिए। खोटा आदमी तो सलाह भी खोटी ही देगा। पता नहीं क्या बात है, उल्टी बात जितनी जल्दी और आसानी से गले उतरती है, सीधी बात उतनी जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए कहा गया है, शूद्र के साथ क्रीड़ा मत करो, ससंग मत करो, हास्य मत करो। जब भी इस तरह का कोई प्रसंग मेरे सामने आता है, मुझे पूज्य कालूगणी की सीख याद आ जाती है। दीक्षा लिए थोड़े ही दिन हुए थे, बाल मुनि के रूप में हम गुरुदेव के साथ राजगढ़ से विहार कर टमकोर के पास किसी गांव में पहुंचे। गुरुदेव की प्रकृति ही कुछ ऐसी थी कि हम बाल मुनियों को कुछ न कुछ सिखाते रहते थे। उस दिन उन्होंने हमें एक श्लोक सिखाया, छह बातें ऐसी हैं जिनसे बड़ा आदमी भी छोटा बन जाता है। पहला, बच्चों को ज्यादा मित्र मत बनाओ, उनके साथ मत खेलो, क्योंकि बच्चों के साथ रहने से बचपना ही आएगा। दूसरा, बिना कारण या अकारण हंसो मत, बिना मतलब हंसने से छोटपन आता है, गंभीरता नहीं रहती। तीसरा, स्त्रियों के साथ विवाद मत करो, विवाद करके जीत गए तो लोग कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, स्त्री से ही तो जीते हैं, और हार गए तो कहा जाएगा एक स्त्री से पराजित हो गए, लज्जा की बात है। चौथा, दुर्जन आदमी की सेवा मत करो, करोगे तो कोई न कोई खोटी सीख ऐसी लगेगी कि जीवन का रास्ता भटक जाओगे। पांचवा, गधे की सवारी मत करो, गधे की सवारी करने वाला आदमी छोटा या मूर्ख माना जाता है। छठा, ऐसी वाणी न बोली जाए जो सुसंस्कृत नहीं है, जिसमें शुद्ध वाक्य या भाषा का प्रयोग नहीं है। ये छह ऐसी बातें हैं जिनसे एक बड़ा आदमी भी छोटा बन जाता है। बालजन, अज्ञानी, खोटी सीख देने वालों से और मूर्खों से हमेशा दूरी बनाकर रखो।
सूत्र को एक बार फिर से दोहरा ले, गुरु की सेवा, वृद्धों की सेवा, बालजनों से दूरी, इन तीन सूत्रों के प्रति जागरूक रहें तो एकांत सुख की ओर हमारा प्रस्थान हो सकता है। स्थाई सुख का मार्ग भाग दो। गुरु ने शिष्य को एकांत सुख के तीन सूत्र बता दिए। चौथा सूत्र है स्वाध्याय। स्वाध्याय निर्जरा का, आत्मशुद्धि का और एकांत सुख का महत्वपूर्ण साधन है। स्वाध्याय और ध्यान, इन दोनों का एक युग्म है, जोड़ा है। स्वाध्याय के द्वारा हम वास्तविकता से परिचित होते हैं, इससे अज्ञान दूर होता है, जानकारी बढ़ती है। हजारों हजारों वर्ष की परंपरा में अनगिनत विशिष्ट मनीषा वाले व्यक्तियों ने और विशिष्ट साधना करने वाले ज्ञानी पुरुषों ने जो कुछ अनुभव किया, खोजा, अर्जित किया, वह सारा स्वाध्याय के द्वारा, उसी के आधार पर ग्रंथ बने, शास्त्र बने। उनमें से कुछ आज भी सुरक्षित हैं। वे हजारों वर्ष पूर्व की संचित हमारी ज्ञान संपदा के साक्षी हैं। सहज ही एक प्रश्न मन में उठता है, एक अकेला व्यक्ति अपनी सीमित आयु में कितना ज्ञान अर्जित कर सकता है? निश्चित रूप से एक सामान्य आदमी अपने संपूर्ण जीवन में जितना ज्ञान अर्जित करता है वह बहुत स्वल्प है। इसलिए ज्ञान के भंडारण की एक परंपरा चली, उसका माध्यम बने शास्त्र। शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला कुछ न कुछ प्रकाश उसमें से प्राप्त कर लेता है। तीसरा नेत्र। स्वाध्याय संभव हो पाता है आंखों के कारण। दो चर्म चक्षु हमें प्राप्त हैं, किंतु इनकी क्षमता सीमित है। इसके अतिरिक्त ये सिर्फ बाह्य चीजों को ही देख पाती हैं। इनसे आगे और दूर तक देखने के लिए, अभ्यंतर को देखने के लिए तीसरे नेत्र की जरूरत पड़ती है। इस तीसरे नेत्र या थर्ड आई की आज बहुत चर्चा है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे इंट्यूशन पावर कहते हैं। प्रेक्षा ध्यान में हमें अपना समता के रूप में व्याख्यायित किया है। एक राग की आंख है जो सिर्फ प्रियता को देखती है, दूसरी है द्वेष की आंख जो अप्रियता को देखती है। ये दोनों ही बातें समस्या पैदा करती हैं, इसलिए एक तीसरी आंख समता के रूप में विकसित करने की जरूरत है। कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, दुराव नहीं, पक्षपात नहीं, झुकाव नहीं, केवल संभाव, मध्यस्थ भाव और तटस्थता। यह संभव कर दिखाएगा हमारा तीसरा नेत्र। एक अन्य तीसरा नेत्र है आगम चक्षु। जैन परंपरा में आगम के रूप में विशाल साहित्य का भंडार है। वैदिक और बौद्ध परंपराओं में भी शास्त्र कम नहीं है। तीनों परंपराओं के शास्त्रों में विशाल ज्ञान राशि मौजूद है। जिन्हें ये आगम चक्षु या शास्त्र चक्षु प्राप्त नहीं है, जिसने इनका स्वाध्याय नहीं किया, उनका ज्ञान और चिंतन स्वल्प होगा, सीमित होगा। लोग सोचते हैं कि पश्चिम में ज्ञान का बहुत विकास हुआ है। यह एक भ्रांति है। वैज्ञानिक प्रगति को विकास का पैमाना नहीं बनाया जा सकता। ज्ञान कुछ अलग तरह की चीज है। विज्ञान बुद्धि से संबंध रखता है और ज्ञान अध्यात्म से। ज्ञान सबसे ज्यादा विकसित हुआ है भारत में। 14 पूर्व ज्ञान के अपूर्व भंडार हैं। एक एक पूर्व का ज्ञान कितना गहन है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। 9 निधान में से एक एक निधान अपने आप में महाग्रंथ और महाशास्त्र है। इनके द्वारा लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की बातें जानी जा सकती हैं। अंतर दक्षता का। शास्त्र सच्चाई को जानने का बहुत बड़ा माध्यम है। अधिकांश लोग तो अपने बारे में ही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। दूसरों की बात तो छोड़ ही दो, अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व, अपनी मनस्थिति, इन सब का ज्ञान करने में शास्त्र परम सहायक होते हैं। उदाहरण की भाषा में, आँख सबको देखती है किंतु स्वयं को नहीं देख पाती। स्वयं को देखना है तो उसे शीशे का सहारा लेना होता है। अपना रूप देखना है तो कांच के सामने जाकर खड़ा होना होगा। दूसरों को देखने वालों को भी अपने आप को देखने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को जानने के लिए भी दूसरों का सहारा चाहिए, और वह सहारा है शास्त्र। स्वाध्याय के द्वारा आदमी अपनी जानकारी को बढ़ा लेता है, अपने ज्ञान का विकास कर लेता है। जानकारी आज के युग में प्रगति की अनिवार्य शर्त बन गई है। आज की दुनिया में आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, ज्ञान और जानकारी की बहुत जरूरत है। प्रशासकीय सेवा में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, या व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में जाएं, उससे संबंधित विषय का अध्ययन बहुत जरूरी है।
उसके बिना आप सफल नहीं हो सकते। बिना अध्ययन और स्वाध्याय के एफिशिएंसी और दक्षता नहीं आती। ज्ञान के महत्व का अंदाज आप इसी बात से लगा ले कि मकान का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट तो लाखों रुपए कमाते हैं और उनके निर्माण में पसीना बहाने वाले मजदूर और मिस्त्री कुछ 100 रुपए की दहाड़ी पर दिन भर काम करते हैं। अंतर एफिशिएंसी का है। स्वाध्याय के बारे में कहा गया है, स्वाध्याय के समान तपस्या न हुई है और न होगी। सीमित और अधूरी जानकारी में समस्याएं बहुत आती हैं। जानकारी के अभाव में आदमी उलझ जाता है। बहुत पुराना प्रसंग है, आचार्य तुलसी कोलकाता में प्रवास कर रहे थे। मेरे पास एक वरिष्ठ श्रावक आए, पेशे से व्यवसायी, समझदार और विवेकशील थे। जानकारी के अभाव में कुछ बातों को लेकर उनके मन में उलझन हो गई। मेरे पास आए और बोले, नथमल जी स्वामी, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोगों को आगे स्थान मिलता है, छोटे लोगों की पूछ कम होती है। मैंने कहा, बड़े और छोटे से आपका मतलब? बोले, बड़े यानी जो पैसे वाले हैं, ऊंची पोस्ट वाले हैं। मैं उनका आशय पहले ही समझ गया था, फिर भी उन्हीं के मुंह से बड़े छोटे की परिभाषा सुनना चाहता था। मैंने कहा, आपका कहना ठीक है, लेकिन थोड़ा समझ का फेर है। जहाँ धर्म का क्षेत्र है वहाँ बड़ा आदमी दूसरा, और जहाँ कर्म का क्षेत्र है वहाँ बड़ा कोई और होगा। जहाँ तक कर्म क्षेत्र की बात है, भगवान महावीर के समवसरण में श्रेणिक का प्रमुख स्थान था, लेकिन जब धर्म क्षेत्र की बात आई तो भगवान ने श्रेणिक को पुण्या श्रावक के पास भेजा कि अगर खरीद सको तो अपनी दुर्गति टालने के लिए पुण्या की सामायिक खरीद लो, और सामायिक खरीदने गए श्रेणिक को पुण्या श्रावक के यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा था। यह उदाहरण देकर हमने उनसे पूछा, आप ही बताएं किसका महत्व मानेंगे, श्रेणिक का या पुण्या श्रावक का? सबकी अपनी अपनी भूमिका है और उसी के अनुसार सबका अलग अलग महत्व है। जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति का महत्व है उसका अंकन करना चाहिए। जहाँ व्यापकता और प्रभावना का प्रश्न है वहाँ श्रेणिक जैसे लोगों का महत्व होगा। जहाँ श्रावकत्व का प्रश्न है वहाँ पुण्या का स्थान पहला होगा। ऐसे प्रश्नों पर हमें विभज्यवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मेरी बात सुनकर श्रावक जी बोले, बस अब मेरा समाधान हो गया। स्वाध्याय को भी यह एकांगी रूप में न ले, सुनकर समझे वह भी स्वाध्याय है, लिखकर समझे तो वह भी स्वाध्याय है, चर्चा वार्ता में भी स्वाध्याय है, पठन पाठन में भी स्वाध्याय है, ये सारा स्वाध्याय है। आज से कोई 30-33 वर्ष पहले मेरे मन में एक प्रश्न आया कि हम प्रवचन क्यों करें, क्या उसे लोग सुनते हैं, उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं? फिर यह सोचकर संतोष कर लिया कि किसी ने आंशिक रूप में भी मेरी बात को मान्य किया तो मेरा प्रवचन सार्थक है, फिर मैं किसी भ्रांति में तो हूँ नहीं। किसी व्यक्ति ने एक वेदांती से प्रश्न किया, सत्य क्या है और भ्रांति क्या है? उसने कहा, आपको उपदेश देकर मान लूं कि आप सुधर जाएंगे यह भ्रांति है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे यह सत्य है। हम प्रवचन करते हैं, आप उसे जीवन के व्यवहार में लाते हैं या नहीं आप जाने, हम तो यह मान लेते हैं कि इससे हमारा स्वाध्याय हो गया। निर्जरा तो होती ही है, आपका स्वाध्याय होता रहेगा तो कभी परिवर्तन की बात भी आ सकती है। दो प्रकार विद्या के दो प्रकार बताए गए हैं, अपरा और परा। अपरा लौकिक विद्या है जो विद्यालय में पढ़ाई जाती है, परा अध्यात्म विद्या है जो हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं। लेकिन एक बात दोनों में समान रूप से लागू होती है और वह यह कि अध्ययन दोनों का होता है। लौकिक विद्या की डिग्री लेने में कई वर्ष लग जाते हैं, MBBS, MBA आदि की डिग्री लेने में कई वर्ष लगते हैं, पर विद्या में तो पूरा जीवन लग जाता है, तो भी बहुत कुछ जानना बाकी रह जाता है। अध्यात्म विद्या या परविद्या को पढ़ने वाले आज बहुत कम हैं। अपने आप को, अपने स्वरूप को जानने और समझने की चाह किसमें है? सबकी रुचि ऐसे विषयों में है जिससे अधिकाधिक धन उपार्जित हो सके। वर्ष में 15 करोड़ वेतन लेने वाले लोग भी इस दुनिया में मिल जाएंगे। क्यों मिलता है इतना वेतन? इसलिए कि उन्होंने ज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा इतनी दक्षता प्राप्त कर ली है कि अपनी कंपनी को अपने वेतन से कई गुना ज़्यादा लाभ दे रहे हैं। कुछ लोग तो इतने दक्ष होते हैं कि कंपनी के वर्षों के घाटे को लाभ में बदल देते हैं।
जहाँ तक दक्षता और विशिष्टता की बात है, कुछ लोगों को यह नैसर्गिक रूप में प्राप्त होती है तो अधिकांश लोगों को अर्जित करना पड़ता है। यह तो हुई लौकिक संदर्भ की चर्चा। अब हम अध्यात्म स्वाध्याय की बात करें। साधना का क्षेत्र हो या नित्य प्रति के जीवन व्यवहार का, समस्याएं हर क्षेत्र में हैं। व्यापार के क्षेत्र में जितनी समस्याएं हैं उससे कम समस्याएं साधना के क्षेत्र में नहीं हैं। समस्या पैदा करने वाले अनेक तत्व हमारे भीतर हैं। कह सकते हैं कि समस्या उत्पन्न करने वाला कारखाना हमारे भीतर काम कर रहा है। कसाईयों की प्रबलता नाना प्रकार की समस्याएं पैदा करती है। इंद्रियों की चंचलता अनेक समस्याओं को जन्म देती है। इनके समाधान के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जिसकी उत्तेजना और आवेश की प्रकृति है वह दसवें कालिक सूत्र की इस गाथा का बार बार उच्चारण करे। यह आवेग और उत्तेजना अल्पकालिक है, चीरकालिक नहीं, थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाने वाली है, शाश्वत नहीं है। यह एक वाक्य बार बार अवचेतन मन में जाएगा तो चिंतन सकारात्मक हो जाएगा। इससे स्वाध्याय की महत्ता को आसानी से समझा जा सकता है। सूखी भूमि में फूल। हमारे संघ में एक मुनि जी ने प्रौढ़ अवस्था में दीक्षा ली। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मात्र अक्षर ज्ञान था, लेकिन दीक्षित होते ही अकस्मात उनकी स्वाध्याय में रुचि हो गई। मन में एक प्यास जाग गई कि मुझे सूत्रों को कंठस्थ करना है, नई नई बातें जानना है। अवस्था ज्यादा हो गई थी इसलिए कंठस्थ ज्यादा नहीं हो पाता था। इसके लिए पाठ को घुटाई करते। घुटाई की प्रवृत्ति आज बहुत कम हो गई। इसकी प्रक्रिया यह है कि दीवार की ओर मुंह करके बैठ जाओ और झूम झूम कर पाठ को बार बार दोहराओ। हम लोग ऐसा ही करते थे और इस प्रक्रिया में अनेक बार हमारा सिर दीवार से टकरा जाता था। घुटाई करने का फायदा यह है कि ज्ञान भीतर तक प्रवेश कर जाता है। कह सकता हूँ कि इससे स्मृति का बहुत विकास होता है। मैंने 15-20 वर्ष की उम्र में जो पढ़ा वह स्मृति कोष में आज भी सुरक्षित है। मुनि जी ने बच्चों की तरह रटन प्रणाली का सहारा लिया। एक दिन संतों ने उनसे कहा, तुम जोर जोर से बोलते हो, इससे हमारे स्वाध्याय में बाधा पड़ती है। दूसरों के विश्राम और नींद का भी कुछ ख्याल करो। तुम सूखी रेतीली अनुपजाऊ जमीन में फूल खिलाने की सोच रहे हो, यह संभव नहीं लगता। वरिष्ठ संतों के इस कथन में एक व्यंग भी था। कनिष्ठ और विनित होने के कारण एक बार तो वे मुनियों का निर्देश स्वीकार कर लेते, लेकिन कंठस्थ करने की चाह में वे थोड़ी देर बाद भूल जाते और उनका आलाप फिर शुरू हो जाता। लेकिन अपने सतत अभ्यास से एक दिन उन्होंने सूखी अनुपजाऊ भूमि पर फूल उगाकर दिखा दिया। इतनी विद्या और ज्ञान कंठस्थ कर लिया कि उनसे पहले के दीक्षित मुनि उनसे बहुत पीछे रह गए। यह संभव हुआ स्वाध्याय की निरंतर चेष्टा और लगन के द्वारा। स्वाध्याय और ज्ञान के लिए अवस्था कोई बाधा नहीं है। बिजी हूँ का बहाना भी निरर्थक है। आवश्यक काम के लिए हर आदमी के पास समय है। आत्मा का ज्ञान कराने वाले, मन को शांति देने वाले, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले, कसायों को उपशांत करने वाले अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, जिससे साधक स्थायी सुख को प्राप्त कर सके। स्थायी सुख का मार्ग भाग 3। गुरु ने शिष्य को संबोध देते हुए कहा, अब तक एकांत सुख के कई सूत्रों को तुम समझ चुके हो। सुख का एक हेतु और है और वह है धृति। निर्युक्तिकार भद्रबाहु ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा, जस्य धी तस्य सामण्यम्। जिसके पास धृति है उसी के लिए सामण्य है, यानी सामान्य का पालन वही कर सकता है जो धृतिवान है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में कहा गया है, मनुष्य का मन विषयों के प्रति आसक्त होता है। अगर धृति नहीं है तो उसे हम धारण नहीं कर सकते, उस पर नियंत्रण होता है धृति से। कहा गया, इंद्रिय मनोनियामी का धृति, जो इंद्रिय को और मन का नियमन करती है उसे धृति कहते हैं। विषयों के प्रति इंद्रियों की भी आसक्ति है और मन की भी, उस पर लगाम और ब्रेक लगाने वाली कोई चीज है तो वह धृति है। जहाँ धृति है वही साधुत्व है, वही धर्म है। धर्म का मतलब है विषयों से दूर रहना और सामान्य का भी यही काम है। किसे कहे धृति? जिसके द्वारा इंद्रिय मन और प्राण की क्रिया का नियमन किया जाता है वह धृति है। गीता में इसे 3 प्रकार की कहा गया,
सात्विकी, राजसी और तामसी। राजसी और तामसी त्याज्य हैं। सात्विक धृति के द्वारा इंद्रिय, मन और प्राण की क्रिया का नियमन किया जा सकता है। एकांत सुख पाना है तो धृति धारण करना जरूरी है। एकांत और शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए क्षणिक सुखों का त्याग करना ही होगा, लेकिन इसके लिए चाहिए धृति। हमारी धृति बनी रहे, मन पर, इंद्रियों पर और कल्पनाओं पर नियंत्रण रहे। यह नियंत्रण योग के द्वारा ही संभव होगा। अगर दार्शनिक दृष्टि से और प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से विचार करें तो पाएंगे कि हम किसी चीज को पहले पकड़ते हैं, फिर उसके बारे में इहा करते हैं, तत्पश्चात निर्णय करते हैं और फिर इसके बाद होती है धारणा या धृति। जिसे हम जानते हैं उसका निश्चित हो जाना धारणा है, उसका भ्रंश न होने देना भी धारणा है। प्रवचन सुनने वालों के लिए भी जरूरी है कि वे केवल सुने ही नहीं, जो सुना है उसको धारण भी करे। इस तरह धारण करे कि पक्का बनकर वह संस्कार में रूपांतरित हो जाए, जीवन में बहुत गहरे तक जम जाए, उसमें सुवासित हो जाए, एक मेक हो जाए। हमारे मन में वासना भी विद्यमान है। धारणा और वासना विच्युत नहीं होती, वह हमारे संस्कारों में ढल जाती है। संस्कार निर्माण का मतलब ही है धारणा को मजबूत बना देना। हमारी स्मृति का आधार क्या है? 2 दिन, 2 वर्ष या 50 वर्ष पहले किसी चीज को देखा था, उसकी आज भी याद आ जाती है। याद आती है धारणा के कारण। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन याद नहीं रहता। स्मृति बढ़ाने का उपाय बताएं। मैं कहता हूँ स्मृति की चिंता छोड़ो, चिंता करो धारणा की। धारणा मजबूत है तो स्मृति कहीं नहीं जाएगी और धारणा कमजोर है तो स्मृति कभी प्रखर नहीं हो पाएगी। धारणा को परिपक्व करो, एक ही बात को बार बार दोहराओ जिससे धारणा पुष्ट हो जाए, स्मृति अपने आप आएगी। तर्कशास्त्र का एक विषय है अनध्य व्यवसाय। एक आदमी बाजार से होकर गुजरता है, दोनों साइड में दुकानें सजी हुई हैं। उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि किस किस को देखा था। कारण है अनध्य व्यवसाय। सारी दुकानों में उसकी रुचि ही नहीं है। याद रहेगी वही दुकान जिसमें उसने कुछ खरीदा था। हम दिन भर में कितना क्या कुछ देखते हैं, सुनते हैं। अगर सबकी स्मृति रहे तो कठिनाई खड़ी हो जाए। जीवन में इतने सारे प्रसंग आते रहते हैं, न जाने कितने लोगों से मुलाकात होती रहती है। अगर सब याद रहे तो कठिनाई हो जाए। याद वही रहता है विशेष होने के कारण जिसकी धारणा कर ली जाती है। आयुर्वेद में 2 संदर्भों में धारणा का प्रयोग किया गया। मनोवेगान धार्यते, शरीर वेगान न धार्यते। मनोवेगों को तो धारण करो, उनकी धृति करो, किंतु शरीर के वेगों को धारण मत करो। मल, मूत्र, खांसी आदि शरीर के वेग हैं, इन्हें धारण मत करो, रोको मत। क्रोध, अहंकार, लोभ आदि मनोवेग हैं, इन्हें धारण करो, रोको, इन पर नियंत्रण करो। धैर्य बना रहे। धृति हमारी नियंत्रण की शक्ति है, नियामिका शक्ति है। जो व्यक्ति एकांत, शाश्वत या अत्यंत सुख को पाना चाहता है उसके लिए बहुत आवश्यक है धृति का विकास। जिसके पास धृति नहीं वह घड़ी के पेंडुलम की तरह दोलायमान रहता है, पग पग पर विचलित होता रहता है। धृतिवान को मनुष्य तो क्या देवता भी विचलित नहीं कर पाते। पौराणिक कथाओं में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं कि देवता ने बहुत प्रयत्न किए किंतु संकल्पबद्ध साधक के धैर्य को नहीं डिगा पाए। स्थूल भद्र मुनि को रूप कोसा नर्तकी विचलित नहीं कर सकी। राजा हरिश्चंद्र चंडाल के हाथ बिक गए लेकिन उनका धृति बल परास्त नहीं हुआ। महाराज दिलीप गाय की रक्षा में सिंह के सामने स्वयं का शरीर अर्पित कर देते हैं। विक्रम और बैताल की कथा विस्तृत है। विक्रम बार बार बैताल को वृक्ष की डाल से उतार कर लाते हैं और बातुनी बैताल उन्हें कथा के जाल में फंसा कर बार बार फिर उड़कर उसी डाल पर पहुंच जाता है। आखिर बैताल ही परास्त होता है, विक्रमादित्य नहीं। हम चिंतन करें कि धृति का विकास कैसे हो, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करने वाली शक्ति का विकास कैसे हो। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनका प्रलोभन, इनकी आसक्ति आदमी को बार बार विचलित करती है। साधक को साधना पथ से भटकाने के लिए बहुत सारे निमित्त हैं। छोड़ने की शक्ति, अंशप्रित होने की शक्ति विकसित हो जाए
तो इन निमित्तों से बचा जा सकता है। गुरु ने शिष्य को एकांत सुख का हेतु समझाते हुए कहा, अगर एकांत सुख के आकांक्षी हो तो धृति का विकास करो। धृति शब्द में मात्र दो अक्षर हैं, किंतु इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। यह परम तत्व है। एक साधु को तो हर समय इस वाक्य को स्मरण रखना चाहिए, जस्य धि तस्य सामण्यम्। जहाँ धृति है वही सामान्य है, वही साधना है। जीवन में पग पग पर प्रलोभन है, कदम कदम पर आकर्षण है। जो इनके जाल में फंस गया उसका फिर निकल पाना सहज और आसान नहीं होता। जो बाहरी आकर्षण में उलझ गया उस व्यक्ति के लिए भीतर के पट बंद हो जाते हैं, सुगति दुर्लभ हो जाती है। कारण है अधृति। एकांत सुख चाहिए तो धृति के विकास के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। यह एक दिन में उपलब्ध हो जाने वाली चीज नहीं है। धृति बल का विकास होगा तो क्रमिक अभ्यास से होगा, संकल्प की दृढ़ता से होगा। ओम अरहम।